अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यारी हंजरा। तो जो भाई चैनल पर न्यू है, जरा काइंडली से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो अभी सुबह सुबह उठाऊँ, टाइम देख सकें, सुबह तो नहीं है वैसे, तकरीबन कोई 9-10 बज रहे हैं, उठे हैं। तो अब ज़रा आज काम है थोड़े बहुत, वो हल करने हैं। पहले जाके नीचे नाश्ता कर लूँ, ये आपको दिखा दूँ कि ये देखे केज कम्प्लीट हो गए काफ़ी हद तक, यहाँ से भी सारे इधर अब खुडे बनेंगे, आगे सारे दरवाजे लगेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी अंदर बंद है, इनको दाना शाना डालते हैं और निकलते हैं फिर। जी, खाना खा के तो मैं निकल रहा हूँ बाहर, दाना शाना भी डाल दिया, खाना भी खा लिया। तो अब गाड़ी निकालने लगूँ जाके, उसका थोड़ा काम है, ट्यूनिंग वगैरह करवानी है, आयल चेंज करवाना है, और उसको कंपाउंड का सोचे हैं वो करवा दें, बाकी थोड़ा मॉडिफाई वगैरह करवानी है गाड़ी। चलते हैं जाके पहले चेक करते हैं। बाकी हफ्ता को हो गया, कोई व्लाग नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह अब रूटीन वाइज तो नहीं, चलो 2-3 दिनों बाद एक एक व्लाग आया करेगा, थोड़ा लाइफ में बिजी था इस वजह से। हाँ जी, यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा है एक जर्मन शेफर्ड है, तो मैंने सोचा आपको शो करवा दें आज थोड़ा, आपको ये चेक करें जर्मन शेफर्ड आप। म्यूजिक वो है कि नहीं, फिर प्योर, पूरी प्योर चीज है। ओहो, अरे पड़ रहा ही मुझे अभी भी। ओ हो, उड़ा आ गए। ओ ये अल्सेशियन डब डॉगी है जी, ये जो सा ये राखी वगैरह करने के लिए होता है। बाकी चलते हैं अब, पानी चेक कर यार, पानी शानी चेक करो। हाँ जी, गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो इसके पहले धुलवाते हैं जाके, फिर धुलवाना लास्ट पे धुलवाएंगे, पहले ये काम शाम ख़त्म कर लें, दूसरे ट्यूनिंग वगैरह करवा लें, बाकी चीज़ें करवा लें। बाकी इसमें पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, देख सकते हैं, पेट्रोल भी डलवाना है पहले जाके, तो फिर आपसे मिलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं जाके। यार समझ नहीं लगती, सुबह सारा दिन गर्मी लगती है, ऊपर जैकेट मैंने पहनी हुई है, फुल गर्मी लग रही है, तो रात को सर्दी लगती है, ये जैकेट भी कंट्रोल नहीं करती, कोई पता नहीं क्या सीज़न आ गया, कोई समझ नहीं आ रही। पहले सर्दियाँ थी, पता तो होता ना, दिन में भी सर्दी है, अब दिन में भी कोई सर्दी नहीं है। आज जी हमारे साथ सलार भाई साथ जा रहे हैं, हमारे बहुत बड़े कारीगर हैं ये, नहीं गाड़ियों के, ठीक है, सही करवा लोगे ना गाड़ी? करा लेंगे भाई, ठीक है, देख लें, ठीक है। गाड़ी का क्या क्या करवाना है? गाड़ी का ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, हाँ, ट्यूनिंग करवानी है, ट्यूनिंग करानी है, कंपाउंड करवानी है, और सब कुछ करवाना, सब कुछ करवाना है, ऐसा ऐसा करवाते हैं यार। आपको पता है ना, हम गरीब हैं यार, हमारे पास जितने होने हमने उतने लगाने हैं ना, हम थोड़े कौन से कोई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो, सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी लेवल की गाड़ी तैयार करवा के दिखाएंगे ना कि आपकी सोच हैरान हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले साल हम जरूर वहाँ पे भी जाएंगे, ऑटो शो लाहौर जैसे मर्जी है, वहाँ पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। बाकी चलते हैं जाके पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं।
हाँ जी जी यहाँ पे आए हैं, अब जरा पेट्रोल डलवा रहे हैं फिर चलते हैं आगे। जी जी पेट्रोल वगैरह डलवा लिया, आधी टंकी करवा ली है, अब चलते हैं जरा आगे। हाँ जी जी हम यहाँ पे भाई हैं आयल लेने, ये भाई ने कहा जी मैं आपको लेके देता हूँ। हाँ जी जी ये फिजान भाई हैं, इन्होंने कहा जी हम आपको तेल लेके देंगे, A1 तेल होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ अच्छा तेल होगा, हम जिक ऑयल लेके देंगे, हम गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी की स्पीड टूं टूं करेगी, भागेगी इंशाल्लाह। हमारी ये फील्ड है, हमें पता है कौन सा इसमें डरता है, ये बाहर भैंस और लुंड पार्टी बहुत ज्यादा पैसे बहुत मांगते हैं, हम कहते हैं हमने होलसेल में आयल लेना। जो भाई ये पीछे हमारे बकर भाई हैं, ठीक है साथ सलाल बैठा हुआ है, ठीक है ये तेल है वन भाई, तेल का कोई मसला होगा हम नई गाड़ी देख देंगे, डस्टबिन निकाल के देंगे, 50 लाख में आती है, क्या होगा भाई 50 लाख में डस्टबिन आती है, मुझे ले दो, सेकंड हैंड ले देंगे आपको भाई। यहाँ जरा तेल छिल लेते हैं फिर चलते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं कौन सा लिया है, तो फिर जाके वहाँ चेंज करवाते हैं, खुद लेके जाएंगे। 2000 years later। हाँ जी जी ये सामान वगैरह ले आए हैं, सारा ऑयल वगैरह ले आए हैं, तो अब यहाँ से जरा ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं, ये सामने ही शॉप है, वो सामने ऊपर ट्यूनिंग शूनिंग करवाते हैं इसकी, तो साथ ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं, फिल्टर वगैरह चेंज करवाते हैं। A few moments later। हाँ जी जी आयल वगैरह चेंज करवा के तो अब आए हैं हम यहाँ पे, ये सर्विस करवाने गाड़ी की, ये सारी सर्विस वगैरह करवाते हैं, तो फिर चलते हैं घर की तरफ, ट्यूनिंग वगैरह आल चीज़ें ओके हो गई हैं, बाकी कंपाउंड करवानी है, उसका भी सोचते हैं क्या करना है, सारी गाड़ी पॉलिश करवानी है एक दफ़ा, और पिछला जो बम्पर है वो तो हमने करवा लिया हुआ है, वो देख रहे हैं सारा सही हो गया, तो दोबारा पेंट करवाया, बाकी ये कंपाउंड वगैरह करवानी है, चलते हैं पहले वाश करवा लें। गाड़ी शाड़ी वाश करवा ली है, अब आए हैं तो पता लगा है, वहाँ से निकले हैं तो पता लगा जी टायर पंचर है, तो अब यहाँ पे आया हूँ ये टायर वाली दुकान पे, वहाँ से पंचर वगैरह लगवाते हैं, पहले इतना कम शॉर्ट टाइम है तो ऊपर से देखें कितने मसले बन रहे हैं, चलें पहले यहाँ से पंचर वगैरह लगवाते हैं, मुझे था कि अगला टायर होगा पंचर वो पिछला, अगले का तो मुझे पहले ही डाउट था क्योंकि वहाँ वहाँ पर ना कम रहती है पहले ही अगले में, चलें चेक शेक करवाते हैं जा कर देखते हैं कौन सा टायर है। हाँ जी ये टायर है जी, इसके बाद भी काम है, बाकी हाल ओके हो गई है, वाश वूश करवा ली है, पंचर लगवाते हैं। चार पंचर निकले हैं ठीक है, तो पंचर लगवा के अब चलते हैं फिट करके घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि कंपाउंड वाला सिस्टम जो है ना वो फिर कल पे रखते हैं, अब टाइम नहीं है क्योंकि सारा दिन वहाँ पे गाड़ी देनी पड़ेगी, तो इस वजह से फारग हो गए हैं, टायर शायर लगवा लिए, तो अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि आज आगे नहीं जाने का प्रोग्राम, बस अब घर चलें, चलें मिलते हैं घर पहुंच के।
हेलो यारी भाई, ये क्या कर रहे हो? ये मैं ये हारन की तार जोड़ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ना टेप लगने वाली थी वो जोड़ी है। चेक करो कैसी चमक रही है गाड़ी, है ना। ये पूरी साड़ी नहीं करवा के लाए हैं, चमक रही है। हाँ जी जी, वापस आ गया हूँ मैं घर। ठीक है, तो शाम हो गई है तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो सुबह चलेंगे, अब निकलेंगे सुबह जाके, तो वहाँ पे चलेंगे। इसके कंपाउंड वगैरह पॉलिश वगैरह करवानी है और थोड़ा लेमिनेशन वगैरह काम है वो करवाना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ। जो भाई चैनल पर न्यू है जरा काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।